हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज दोस्तों हम करने वाले हैं पीजन की तरफ से आने वाली एसर प्लस इंडक्शन कुकटॉप का अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि डब्बे के अंदर में हमें क्या क्या मिलता है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ये दोस्तों पीजन कंपनी की तरफ से एसर प्लस इंडक्शन कुकटॉप और यहाँ पर डब्बे के ऊपर दी गई इसके कुछ फीचर्स। इसमें मिलती है 1 ईयर वारंटी और 1800 वॉट की इसकी पावर आउटपुट है। पर दी गई है पीजन की ब्रांडिंग और यहाँ पर इसमें दी गई सूटेबल फॉर रोटी डोसा डीप फ्राई प्रेशर कुकर बॉयल मिल्क करी इडली। यहाँ पर दोस्तों इसमें MRP दी गई है 3595 रुपीज़, लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था 1400 रुपीज़ में और शायद अभी भी इसकी MRP फ्लिपकार्ट में 1400 ही है। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग और इसे देखते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या क्या मिलता है। जैसे कि दोस्तों इसमें दी गई एक यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, ऊपर में सेलो टेप अभी हम निकाल लेते हैं। काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इसकी और ये टच है। यहाँ पर दिए गए हैं इसकी वेंटिलेशन और यहाँ पर दिया एक फैन। इसकी वायर तकरीबन 1 मीटर है और दोस्तों इसकी यूज़र मैनुअल में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रबल कोड्स दिए गए हैं। अगर E0 शो करता है इस डिस्प्ले पे, पॉट सही से कनेक्ट नहीं हुआ है कुकटॉप, अगर हम इसमें कुछ रखते हैं पेन वगैरह वो अगर स्टेबल नहीं इधर उधर हम हिला देते हैं तो इसमें E0 शो करेगा। और E1 सप्लाई वोल्टेज अगर 90 वोल्ट से कम हो जाए तो E1, और E2 सप्लाई वोल्टेज 280 वोल्ट से अगर ज़्यादा हो जाए। इसे हम पावर दे देते हैं, इसमें रख देते हैं पेन, डाल देते हैं थोड़ा सा वाटर, अब हमें इसमें जस्ट हमें प्रेस करना है फंक्शन बटन। दोस्तों हम इस तरह से इसके मोड चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। टाइमर बस एक बार दबाना है और हम इसमें टाइम ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इसे आप टाइम कम भी कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा। पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है, जैसे कि 1 मिनट हो चुकी है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। दोस्तों हम इसे चाहे तो फिर से ऑन कर सकते हैं, इसे आप वोल्टेज देख सकते हैं जैसे कि 210 वोल्ट है और ये इसमें टेम्परेचर हमें बता रहा है अभी 80 डिग्री सेल्सियस में है। और एक ख़ास बात दोस्तों, अगर आपके किचन में कॉकरोचेस हैं तो इसे कॉकरोचेस से बचा के रखें। अगर कॉकरोचेस इसके सर्किट में आके एक बार बैठ जाएं तो इसे ख़राब कर देंगे।